दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाते हैं, वो भी वीबीए के बिना। फ्रेंड्स, इस फॉर्म का ऑप्शन एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है लेकिन हिडन होता है, तो उसको हमें एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो था हाउ टू मेक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन एमएक्स एक्सेल, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए सीखते हैं डाटा एंट्री फॉर्म बनाना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके एक्सेल का ट्यूटर गोविंद और अभी आप देख रहे हैं ComTutor। तो डाटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वो हेडिंग्स जिससे रिलेटेड डाटा एंट्री करना है या डाटा कलेक्ट करना है। तो ये है वो एक्सेल शीट, इसमें मैंने कुछ हेडिंग्स ऑलरेडी एंटर करके रखी है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, फोन नंबर। आपका हो सकता है हेडिंग्स और भी ज्यादा हो, तो सबसे पहले हमें डाटा एंट्री का ऑप्शन एक्टिव करना होगा। तो उसके लिए देखिए, अभी मैं यहाँ डाटा में जाता हूँ तो मेरे पास कोई डाटा एंट्री का ऑप्शन नहीं है या फॉर्म का ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, उस ऑप्शन को एक्टिव करना है। तो उस ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए हमें जाना है फाइल पर, फिर ऑप्शन, उसके बाद कस्टमाइज रिबन, और अब यहाँ पर हमें वो ऑप्शन ऐड करना है। तो वो ऑप्शन ऐड हम करेंगे डेटा में। डेटा के अंदर हम चूज करते हैं न्यू ग्रुप, यहाँ पे देखिए आ चुका है। इस पर क्लिक करता हूँ और रीनेम, और इसको नाम मैं दे देता हूँ डाटा एंट्री एंड ओके। तो नाम डाटा एंट्री हो गया है। अब इसके अंदर हम वो हिडन ऑप्शन को एक्टिव कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पॉपुलर कमांड की जगह पर कमांड्स नॉट इन द रिबन, यानी वो कमांड्स मेरे को दिखेंगी जो रिबन में नहीं है। तो उसी में एक कमांड होती है फॉर्म, ये है वो कमांड। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऐड कर लेता हूँ डाटा एंट्री में। तो देखिए ये कमांड ऐड हो चुकी है। अब एक और चीज आप कर सकते हैं, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो डाटा में, डाटा एंट्री वाले कॉलम में आपको फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। अब आप सोचेंगे ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या बला है। एक्चुअली जो ये नेम बॉक्स होता है एक्सेल में, इसके ऊपर ये छोटा सा टूल बार आपको नजर आ रहा होगा, किसी किसी एक्सेल में ये टॉप पर भी होता है, इसी को क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से चूज कर लूँ सो अबव रिबन, तो ये यहाँ से उठकर टॉप पर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं चूज कर लेता हूँ बिलो रिबन, तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी इसको मूव कर सकते हैं। तो ये फॉर्म का ऑप्शन हम इस क्विक एक्सेस टूल बार में कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हमें जाना है फाइल पर, फिर से ऑप्शन, उसके बाद कस्टमाइज रिबन नहीं लेना है, हमें लेना है क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ से फिर मैं चुनूंगा कमांड नॉट इन द रिबन, और वापस से जाऊंगा फॉर्म पर, ये रहा फॉर्म, और इसको ऐड कर लूंगा। तो ये देखिए सेव अंडू रीडू के साथ में फॉर्म भी ऐड हो गया है, और अब मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए ये फॉर्म का ऑप्शन, तो एक फॉर्म का एक क्लिप आर्ट बन के यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है डाटा एंट्री इन एक्सेल। तो अब वो बनाने के लिए हमें पहले अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट करना है, और या तो आप इस डाटा में जाके फॉर्म पर क्लिक करिए, या फिर ये जो क्विक एक्सेस टूल बार में हमने ऐड किया है फॉर्म, इस पर क्लिक करिए। तो ये आपको एक पॉपअप देगा जिसमें कहा जा रहा है कि आपके सिलेक्शन की कोई हेडिंग नहीं है, तो क्या उसके बिना ही इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये जो छोटा सा फॉर्म बन के आया है मेरे पास, इसी को कहते हैं डाटा एंट्री फॉर्म। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, फोन नंबर, जो हेडिंग्स मैंने दी हैं वो सब आ चुकी हैं। तो यहाँ पे अब हमें बिना देर किए हुए सारा डाटा एंटर कर देना है जल्दी जल्दी। ये भी कर देता हूँ, ए पी, एज, फोन नंबर। अब डाटा एंटर होने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू पर, वो डाटा ऑटोमेटिक आपका एक्सेल में एंटर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी एंट्री, एज 30, फोन नंबर, उसके बाद फिर से क्लिक करना है न्यू पर। अब थर्ड एंट्री, इसी तरह आपको एंट्री करते जाना है, एज 28, फोन नंबर, ये हो गया। इस तरह आपको डाटा एंट्री करते रहना है। तो ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम जान लेते हैं इसके ये कुछ ऑप्शंस के बारे में। जो ये ऑप्शन है फाइंड प्रीवियस, यानी कि ये पिछली एंट्री को ढूंढने के लिए यूज होता है, जैसा कि नाम से भी आपको पता चल ही गया होगा। और फाइंड नेक्स्ट जो है अगली एंट्री ढूंढने के लिए है, नेक्स्ट एंट्री को कैसे ढूंढा जाएगा। देखिए ये क्राइटेरिया क्या काम करता है,
क्राइटेरिया में चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ गोविंद, मुझे तो गोविंद को ढूंढना है। अब टाइप करने के बाद मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए जो एंट्री होगी उससे रिलेटेड वो उसको आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, यानी कि ये भी कंट्रोल एफ की तरह ही काम करता है, फाइंड करके आपको देता है बट क्राइटेरिया से। और अब उसके बाद है न्यू। न्यू तो आप जान ही चुके हैं, न्यू एंट्री एंटर करने के लिए होता है। और डिलीट है, कोई एंट्री आपको परमानेंट डिलीट करनी है उसके लिए। जैसे अभी ये है मोहन खत्री, इसकी एंट्री मेरे को डिलीट करनी है, तो मैं इस एंट्री को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं रीस्टोर और क्लियर के, जब आप क्राइटेरिया पर क्लिक करते हैं, उसको क्लिक करना है और उसको रीस्टोर करने के लिए। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, जिसमें आपने सीखा कि एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करते हैं, वो भी बिना VBA के। तो अगर आपको भी आ गया है एक्सेल में डाटा एंट्री करना, वो भी VBA के बिना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो मैं हर हफ्ते लाता रहूंगा आपके लिए, तो प्लीज चैनल को नीचे दिए गए सर्कल पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड गुड बाय।